नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। जल जुलनी एकादशी पर गांवों में दिखा उत्साह। उंडीथल में श्रद्धालुओं ने निकाला वाहन जुलूस। मजावत में ढोल थाली वे मादल की थाप पर नाचे श्रद्धालु। रावलिया खुर्द में डीजे की धुन रही प्रभावी। पलासमा में दिखा भक्ति का रंग। गोगुंदा में गंगा आरती को देखने उमड़े लोग। हर गांव में निकाली राम रेवाड़ी। जल जुलनी एकादशी के अवसर पर शनिवार को गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में वेवाण में विराजमान ठाकुर जी की राम रेवाड़िया में शोभा यात्राएं निकाली गई। सभी जगह शाम को ठाकुर जी को स्नान कराया गया। समीपवर्ती रावलिया खुर्द में भगवान चारभुजनाथ के मंदिर से डीजे के साथ राम रेवाड़ी निकाली गई। चारभुजनाथ नवयुवक मंडल द्वारा राम रेवाड़ी को सजाया गया। उस पर रंग बिरंगे गुब्बारे बांधे गए और डीजे पर बज रहे भजनों की धुन पर नाचते गाते हुए श्रद्धालु सरोवर पर पहुंचे, जहां ठाकुर जी को स्नान कराया गया। ये तस्वीरें मजावत गांव में निकाले गए जुलूस की है। यहां भी ढोल थाली विमांडल तथा बैंड बाजों के साथ नाचते गाते हुए जुलूस निकाला गया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने जुलूस में भाग लिया। महिलाएं वेवाण में विराज रहे ठाकुर जी को नमन करते हुए नजर आई। इधर छाली ग्राम पंचायत के उंडीथल गांव में तो श्रद्धालुओं ने वाहन जुलूस निकाला। ठाकुर जी को नवनीर में स्नान कराया गया और शाम को महाप्रसादी का आयोजन किया गया। ये तस्वीरें सायरा ब्लॉक के पलासमा गांव की है। यहां भगवान पद्मनाथ मंदिर से ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा में श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ भजन गाते चल रहे थे। जगह जगह पर ठहर कर भजन भी गाए गए। शोभा यात्रा मंदिर से रवाना होकर राम सरोवर पहुंची। यहां भी भक्तों ने भजन गाए। उसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराया गया और प्रसाद वितरण किया गया। यहां से शोभा यात्रा पुनः मंदिर पहुंची। भगवान को गर्भगृह में विराजमान करने के बाद विसर्जन किया गया। पद्मनाथ प्रगति युवक मंडल समिति के मंगीलाल पुजारी ने बताया कि मंडल के सदस्यों ने आयोजन में पूर्ण सहयोग किया। गोगुंदा में चारभुजा मित्र मंडल द्वारा भगवान चारभुजनाथ की विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शाम 3 बजे गाजो बाजो के साथ शोभा यात्रा प्रताप चौक से रवाना हुई, जो रावले के बाहर से गुजरी। चारभुजा मित्र मंडल के हरीश चौधरी ने बताया कि प्रताप चौक के समीप स्थित भगवान चारभुजनाथ के मंदिर को सजाया गया तथा कस्बे के दुकानदारों ने दुकानें बंद करके शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में कई रोमांचक प्रस्तुतियां भी दी गई। शोभा यात्रा में दर्जनों झांकियां शामिल की गई, वहीं तोपों से गुलाब के फूलों की वर्षा की गई। साधुओं की टोली ने कई करतब दिखाए। बैंड बाजों के साथ श्रद्धालु नाचते गाते रानीराव तालाब पर पहुंचे। इस दौरान गोगुंदा पुलिस थाने का जाब्ता तैनात रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तालाब के घाट के समीप भव्य स्टेज बनाया गया। विशेष नाव तैयार की गई। ठाकुर जी को नौकायन करवाया गया। नौकायन के लिए नाव को विशेष तौर पर सजाया गया। यहां पुजारियों व श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी को स्नान करवाया। यहां कस्बे के एक दर्जन से अधिक मंदिरों से वेवाण में विराजमान ठाकुर जी पहुंचे। यहां सभी मंदिरों से आए ठाकुर जी को स्नान करवाया गया। इसके बाद भव्य गंगा आरती की गई व प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली, प्रधान सुंदर देवी, उप प्रधान लक्ष्मण सिंह जाला, पूर्व उप प्रधान पप्पूराणा बील, सरपंच कालूलाल गमेती, वार्ड पंच सुरेश सोनी, कमलेश तेली, ओम सिंह और वीडियो सुरेंद्र नगलिया सहित चारभुजा मित्र मंडल के सदस्यों सहित हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। तालाब पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तालाब के एक घाट पर महिलाओं ने कब्जा जमा लिया। इस सीढ़ीनुमा घाट की एक भी सीट खाली नहीं बची। घाट के आगे रस्सियां बांधकर सुरक्षा के प्रबंध किए गए, ताकि कोई फिसल कर तालाब में न गिर जाए। दूसरी तरफ पुरुषों का जमावड़ा रहा। उल्लेखनीय है कि यहां तीसरी बार भव्य आयोजन हुआ है। यहां भव्यता बढ़ती जा रही है, वहीं श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में इस तरफ से घाट को बढ़ा करके इसकी लंबाई बढ़ाते हुए सीढ़ीनुमा घाट बनाने की जरूरत होगी।